नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव जी के महाकुंभ चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के इस सेशन में आज हम लोग जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन को जो है देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइब्रेरी साइंस स्टडी मटेरियल के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। संक्षिप्त परिचय, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड टोटल मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड देखने को मिलेंगे। और जो है आप लाइब्रेरी की तैयारी, कहीं के भी लाइब्रेरी की तैयारी या लाइब्रेरियन की तैयारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में यह उपयोगी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, समय देर न लगाते हुए, आप सभी का समय बहुत कीमती है, इसको मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघों के रूप में जाना जाता है, जो लाइब्रेरियनशिप ऑफ लाइब्रेरी सेवा को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में हुई थी। इसका मुख्यालय शिकागो में रखा गया। इसकी स्थापना के लिए विलियम फ्रेडरिक पुले, मेलवी डेवी और जस्टिन विंसर जैसे 103 लाइब्रेरियन, 90 पुरुषों और 13 महिलाएं एकत्र हुए और सम्मेलन के अंत में उन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाने के लिए मतदान किया और 1995 तक एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या 56,954 हो गई थी और इसकी समाप्ति 54,93,000 और वार्षिक बजट की अगर मैं बात करूं तो 2,87,31,000 था, डॉलर में था, डॉलर ध्यान दीजिएगा, डॉलर में था। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के उद्देश्य क्या क्या हैं? ALA पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पुस्तकालय का संगठन है। पुस्तकालय व्यवसाय और पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना तथा सभी के लिए जीवन प्रयत्न पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना इसका व्यापक उद्देश्य है। यह पाठकों, पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की धारणा को स्वीकार करता है। देश में पुस्तकालय चेतना उत्पन्न कराना तथा पुस्तकालय के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन देना इसके प्रमुख लक्षण है। यही कारण है यह बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संगठन, इसके संगठन कौन कौन से हैं? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संगठन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की संगठनात्मक रचना को संघों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ALA के संगठित ढांचा में एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। इस संगठन का अभिशासन एक परिषद द्वारा किया जाता है। इसकी कार्यकारी समिति इनके प्रबंधन का कार्य करती है। ALA को 11 डिवीजनों में विभक्त किया गया है। क्लियर हो गया होगा, ये 11 डिवीजन कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, प्रत्येक प्रभाग एक अलग प्रकार की पुस्तकालय सेवा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक प्रभाग अपने स्वयं के कार्यकारी निर्देशक, अधिकारियों, कार्यक्रमों और बजट को बनाए रखता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 53वें स्वतंत्र राज्य और क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ है, जिन्हें चैप्टर्स कहा जाता है, और 24 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी जैसे मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिनके उद्देश्य अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के समान है। ALA का संचालन एक परिषद द्वारा किया जाता है, इनमें 175 सदस्य होते हैं। ALA की स्थापना दुनिया भर में पुस्तकालय हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए एसोसिएशन ने कुछ अक्षरों और प्राथमिकताओं को स्थापित किया है, जिसमें पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में सुधार करना, उचित कानून और वित्त पोषण सुनिश्चित करना, बौद्धिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और पुस्तकालय पेशे को मजबूत
करना शामिल है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रकाशन कौन कौन से हैं? ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप डायरेक्टरीज जो कि वार्षिक है, ALA ईयर बुक अमेरिकन लाइब्रेरीज, ALA बुलेटिन बुक लिस्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अ चॉइस, ये जो है इसके प्रमुख प्रकाशन हैं। आगे है ALA द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में मोनोग्राफ, मैनुअल, संदर्शिकाएँ, संहिता, हैंडबुक, वार्षिक सम्मेलन के कार्य विवरण इत्यादि का भी प्रकाशन किया जाता है। ALA द्वारा स्थापित पुरस्कार। ALA द्वारा कार्यरत व्यवसायियों द्वारा श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करने तथा मान्यता प्रदान करने के लिए निश्चित पुरस्कार स्थापित किए। पहला क्या है, ये पुरस्कार हैं जॉन काटन दाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड, क्लियरेंस डे अवार्ड, मेलवी डीवी अवार्ड, ई.पी. डटन जॉन मैकरे अवार्ड, मार्गरेट मान अवार्ड, सल्फ आर सा अवार्ड प्रदान किए जाते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अमेरिकन लाइब्रेरी से रिलेटिव बहुत सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पे आपको देखने को मिल गए होंगे। तो दोस्तों, आपको लगता है कि हाँ, ये आपके लिए सेशन अच्छा रहेगा, और भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे सेशन मैंने चला रखे हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।